तो हेलो सभी को, स्वागत करते हैं आपका हमारी एक नई सीरीज़ में, जिसमें हम कवर करेंगे इस कॉकेजियन रीजन को और देखेंगे कंट्रीज़ जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान, जहाँ पे हमने किए हैं कुछ एडवेंचरस काम और इकट्ठा किए ढेर सारी अनफॉरगेटेबल मेमोरीज़। तो शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ फिट ट्रैवलर। मेरा नाम है अब्दुल्ला और लेकर आ गए आप लोग के लिए एक नई सीरीज़, एक नई कंट्री जिसका नाम है जॉर्जिया। तो इस बार हम लोग करेंगे जॉर्जिया को 5 दिन के लिए एक्सप्लोर, और यहाँ से ही लैंड बॉर्डर क्रॉस करके हम चले जाएंगे आर्मेनिया और 5 दिन आर्मेनिया एक्सप्लोर करेंगे। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो गई है क्योंकि बहुत सारे कोल्ड प्लेसेस से फ्लाई करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और 2 दिन से रेस्ट ही नहीं हुआ है। वो लास्ट विज़िट हमने की थी कंट्रीज़ कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, और वहीं से फ़्लाई करके अभी हम आ गए जॉर्जिया। वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी मुझे जॉर्जिया के लिए क्योंकि मेरे पास यूएई का रेसिडेंट आईडी है, तो इमिग्रेशन बहुत ही क्लियर था। ये मेरी थर्ड ट्रिप है जॉर्जिया की, इससे पहले मैं 2 बार जॉर्जिया आ चुका हूँ, तो एक भी क्वेश्चन नहीं किया गया मुझसे, क्यों आए हो, क्या है, कुछ भी नहीं। ना रिटर्न टिकट मांगी, कुछ भी नहीं, सिर्फ एमिरेट्स आईडी की कॉपी दी और इमिग्रेशन में से पास आउट हो गया मैं। जॉर्जिया मेरी वन ऑफ़ द मोस्ट फेवरेट कंट्रीज़ में से एक कंट्री है क्योंकि इसकी जो वाइब है ना, वो आपको दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगी। बहुत ही विंटेज वाइब है। तो करवाते हैं पहले यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज और लेते हैं यहाँ से एक सिम कार्ड। यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है जॉर्जियन लारी, जो कि होता है इंडिया के अराउंड 31 रुपीज़। लेते हैं एयरपोर्ट से सिम कार्ड और बताते हैं आपको क्या है सिम कार्ड के प्लान्स और कितने हैं चार्जेस। तो एयरपोर्ट पे ही मिल जाएगा आपको करेंसी एक्सचेंज, और ये है कुछ प्राइसेस करेंसी एक्सचेंज के। तो 100 USD का 260 लारी मिलेगा। और करेंसी एक्सचेंज के बाजू में ये है सिम कार्ड का काउंटर, तो लेते हैं सिम कार्ड। यहाँ से जॉर्जिया का इंटरनेट मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड प्लान्स मिलते हैं। इंडिया के तकरीबन 500 रुपये में 7 दिन अनलिमिटेड इंटरनेट विथ लिटल बिट ऑफ कॉलिंग। तो ये है कुछ प्लान्स यहाँ के, आप देख सकते हो 15 लारी 7 दिन के, जो कि होते हैं इंडिया के अराउंड 500 रुपये। हम लोग अभी लैंड हुए कुतेसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि तिबलिसी से काफ़ी दूर है। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे अभी बतूमी, यहाँ से बस है, बतूमी की बस चलती है, और बतूमी तकरीबन यहाँ से 120 किलोमीटर है, तकरीबन 2-2.5 घंटे का रास्ता है। तो टिकट्स परचेस कर लेते हैं एयरपोर्ट से ही। और मेरी वॉइस थोड़ी आपको डिस्टॉर्टेड आ रही होगी क्योंकि बहुत ही गला मेरा ख़राब हुआ पड़ा है अभी। तो बतूमी की बस तो 2 घंटे के बाद बोल रहे हैं, तो 2 घंटे ही एयरपोर्ट पे निकलने पड़ेंगे और चलते कुछ खाते। तौफीक भाई चांद ले लो भाई, चांद। तो मेरे भाई आ गए हैं हमारे लिए कॉफ़ी लेके, और क्या लिया है भाई बताओ। चांद उल्टा चांद है, नर्सरी वाला चांद है, बच्चे बनाते हैं। छोटा कच्चा पूरी। तो भाई 2 घंटे निकलने पड़ेंगे एयरपोर्ट पे अभी हम लोगों को, तब जाके बस मिलेगी यहाँ से। और ये हमें पड़ा है 15 लारी का, जो कि होते हैं इंडिया के 500 रुपये। ये एगेन चीज़ है, ये ओनली चीज़ है। और कॉफ़ी कितने की पड़ी भाई? 8 लारी फॉर 2 कॉफ़ी। नो, फॉर 1। फॉर 1 कॉफ़ी, यानी कि वही 500 रुपये की 2 कॉफ़ी पड़ गई। फाइनली 11 बज गए रात के और 2 घंटे एयरपोर्ट पे ही ख़त्म हो गए हमारे, और बस सामने ही खड़ी है, टिकट हमने परचेस कर ली यहाँ से। पर पर्सन 25 लारी है, जो कि होते हैं इंडिया के अराउंड 750 रुपये। तो थोड़ा एक्सपेंसिव तो है 120 किलोमीटर्स के लिए, बट सर्विस अच्छी है। टेम्परेचर है अराउंड 8 डिग्री, और इतनी ज़्यादा ठंडी देख कर आए हम लोग के ये तो फील ही नहीं हो रही है, मतलब लग ही नहीं रहा है कि ठंडी है यहाँ पे। बैठ
के बस में और 2 घंटे में बस पहुंचा देगी हम लोग को बतू में। तो चल के आपको अपना अपार्टमेंट दिखाते हैं। बस ने ड्रॉप कर दिया है हमको बुलियाड के पास में और इस सिटी का व्यू मतलब रात को 2 बजे भी आप देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो पहुंच गए अपार्टमेंट के पास और भी सिटी इसके अंदर है अपना अपार्टमेंट। तो चल के आपको अपार्टमेंट दिखाते हैं। तो भाई 47th टॉप फ्लोर पे है अपना अपार्टमेंट और व्यू दिखाते हैं आपको वहाँ से। ये है अपना स्टूडियो अपार्टमेंट, देख सकते हो मतलब किचन, वॉशिंग मशीन, टीवी, वेल सेट अपार्टमेंट और टॉप का व्यू। वाओ। तो इस अपार्टमेंट की सबसे बेस्ट बात आपको बता दूं, ये मिला है मुझे इंडिया के सिर्फ 1200 रुपये पर डे में। तो आप समझ सकते हो मतलब कितने अच्छे प्राइस में मिल गया है, बहुत सही डील में मिल गया। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ फिट ट्रैवलर। मेरा नाम है अब्दुल्ला और अभी हम लोग हैं जॉर्जिया की एक सिटी बतूमी में। और सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करोगे मतलब मेरा गला और इस सिटी के वेदर दोनों की बैंड बजी पड़ी है। आप देख सकते हो अभी भी बारिश हो रही है, हम लोग कल आए तब भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और हम लोग अभी रुके हैं और भी सिटी अपार्टमेंट में जिसके टॉप फ्लोर पे हम लोग रुके हैं जो कि है 47th। और मेरे पीछे आप सिटी का व्यू देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। आप देख सकते हो वहाँ माउंटेंस पे क्लाउड नीचे आ गए हैं और इस तरफ का व्यू देखोगे तो सी फेसिंग व्यू है। ये आप जो देख रहे हो ये है ब्लैक सी। और अभी हम लोग जाएंगे सिटी में और सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। वेदर अच्छा नहीं है, अगर वेदर थोड़ा सही हुआ तो जाके सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, वरना आज का दिन बस यहीं अपार्टमेंट में ही निकल जाएगा। बतूमी सिटी की मैं बात करूं तो लोग इसे मिनी लास वेगास भी बोलते हैं क्योंकि यहां पे बहुत सारे कैसीनोज़ हैं और कॉन्क्रीट का एक जंगल है। मैं इसे फ्यूचर का दुबई कहूँगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स बनाए गए यहाँ पर। और सिटी दिखाएँगे आपको, आपको समझ में आ जाएगा। तो लास्ट के 7 दिनों में ये मेरी 3rd कंट्री है और ना जाने कितनी सिटीज़ चेंज कर चुके हैं हम लोग। -17 डिग्री से लेके +20 डिग्री तक का टेम्परेचर देख लिया है। तो आप समझ सकते हो गले की यह हालत तो कहीं ना कहीं होनी ही थी, शायद कोई पानी या कुछ सूट नहीं किया, कोई फूड में भी। तो देखते हैं क्या होता है गले का। अभी फाइनली हिम्मत कर ली है बाहर जाने की और देखते हैं बाहर जाके। अभी वेदर तो थोड़ा सही लग रहा है, आवाज़ की ना बैंड बजी पड़ी है भाई। तो टैक्सीज के लिए यहाँ पे बोल्ट ऐप चलती है। तो अब देख सकते हो मतलब वेदर ख़राब है तो हमने कैब बुला ली है कहीं जाने के लिए क्योंकि वॉक करके वहाँ पहुँचते पहुँचते भीग जाएंगे हम लोग। तो अभी 1 मिनट है टैक्सी आने में और टैक्सीज काफ़ी चीप है यहाँ पे। ये पड़ी है हमें कुछ 9 लारी में जो कि होते हैं 270 रुपीज़। तो ख़राब वेदर होने के बावजूद भी हम निकल पड़े इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन बहुत ही जल्दी हम लोगों को ये रियलाइज़ होने वाला था कि हम साल के सबसे ख़राब वेदर में इस कंट्री को विज़िट करने आए हुए हैं जो कि था दिसंबर का मंथ जब हल्की हल्की बारिश होती रहती है। तो आगे हम लोग सेंटर पे, ये आप देख सकते हो आर्गो केबल कार, ये केबल कार वहाँ आगे माउंटेंस तक लेकर जाती है। बट आज हम लोग नहीं जाएंगे केबल कार में क्योंकि वेदर अच्छा नहीं है और आप देख सकते हो मतलब हल्की हल्की सी बारिश अभी भी चल रही है। तो ये है सी साइड, लोग यहाँ पे बैठ के मछली पकड़ रहे हैं।
व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल आ रहा है। तो अब स्ट्रीट क्रॉस करके चलेंगे उस तरफ मार्केट के, जो कि है कुछ अच्छी अच्छी शॉप्स वहाँ खाने की, तो चलते हैं वहाँ पे कुछ खाते हैं। सिटी के सेंटर में ही आप लोगों को मिल जाएगी बहुत सारे टर्किश खाने की शॉप्स, तो यहाँ पे आपको शावरमा और हलाल चीज़ें चाहिए तो ज़रूर मिल जाएगी। तो अभी चलते हैं अपने वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शावरमा की तरफ, जो कि आगे ही एक शॉप है। तो ये है वो शॉप, हमने लिया है लार्ज वाला शावरमा, जो कि है 12 लारी का, इंडिया के होते हैं अराउंड 360 रुपीज़। देखोगे इनके पास और भी है, एक्सेल डबल एक्सेल भी है, बहुत ही ज़्यादा बड़े आते हैं वो शावरमा। तो अब साइज़ देखो शावरमा की, मतलब ये सिर्फ हाफ है। मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शावरमा, फुल्ली लोडेड है भाई। तो 360 रुपये में टेम्प्रेरी स्नैक होगी अपना, अच्छी खासी क्वांटिटी उसकी थी शावरमा की। अब लगाएंगे सिटी का एक राउंड, बट बारिश का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी शुरू हो जाती है। यहाँ के डॉग्स आप देख लो भाई, प्योर हस्की है, स्ट्रीट डॉग्स है यहाँ के। तो यहाँ पे तौफीक भाई का रिप्लिका पहले ही लग चुका है। तो ये है कुछ पुरानी वाइन शॉप। तो जॉर्जिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ आपको, तो जॉर्जिया में ही वाइन का बर्थ हुआ था। जॉर्जिया इज़ द फादर ऑफ वाइन, यहीं से ही शुरुआत हुई थी वाइन की। और सबसे ऑथेंटिक ओरिजिनल वाइन अगर आपको टेस्ट करनी है तो बहुत सारे लोकल विनियार्ड्स हैं यहाँ पे, जो आप विज़िट कर सकते हो और ऑथेंटिक वाइन का टेस्ट आप ले सकते हो। हम लोग ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, अदरवाइज़ हम लोग ज़रूर उसको ट्राई करते बट अल्कोहल से दूर रहते हैं हम लोग। मतलब ये वाला जो पार्ट है सिटी का, वो एकदम विंटेज वाइब वाला है। और आगे जो वहाँ पे आपको स्काई स्क्रेपर दिख रहा है, वो बुलियार्ड है 7 किलोमीटर का। वहाँ पे आपको पूरा कंक्रीट का जंगल मिलेगा जहाँ अपना अपार्टमेंट है, और बहुत ही एकदम फ्यूचरिस्टिक सिटी की वाइब आई। टूरिस्ट बिल्कुल भी नहीं है अभी इस टाइम पे, मतलब कुछ गिने चुने लोग ही हम लोग को दिखे हैं अभी तक यहाँ पे, और बिल्कुल ही टूरिस्ट नहीं है, क्योंकि ये फेमस है अपने बीच के लिए। तो लोग यहाँ पे समर्स में आना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो विंटर्स है वो वेट होते हैं, मतलब बारिश होती रहती है विंटर्स में। आप देख सकते हो मतलब काफ़ी पुरानी नई बिल्डिंग्स भी है, और नई बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन भी कंटिन्यू चल रहा है। टेम्परेचर बहुत ही अच्छा है, तकरीबन 12 डिग्री के करीबन है, और इतनी ज़्यादा ठंडी फील नहीं हो रही है, बस बारिश एक परेशान कर रही है। है जॉर्जियन फ्लैग और उसके साथ में यूरोपियन यूनियन का भी फ्लैग। काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स यहाँ पे हमको देखने को मिले हैं, उसमें से एक है सांझा चूल्हा। एक रेस्टोरेंट था ताजमहल नाम से, एक महाराजा के नाम से था। काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे, और काफ़ी इंडियंस यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर्स की तरह भी है। काफ़ी इंडियंस लोगों ने यहाँ पे अपार्टमेंट्स लिए हुए हैं, जो और भी है उसमें भी, और कैसीनोज भी हैं इंडियंस के यहाँ पे। देख लो भाई स्ट्रीट डॉग्स देख लो यहाँ पे। ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये है अल्फ़ाबेट टावर, और सारे अल्फ़ाबेट्स इस पे लिखे हुए हैं स्पाइरल शेप में। उसके बाजू में ही आपको दिखेगा ये बिल्डिंग, जो कि है रेडिसन ब्लू बिल्डिंग। आप देख लो मतलब टोटली डिफरेंट बिल्डिंग है। हमारे साथ कंपनी है, ये हमको गाइड करते हुए लेके जा रहे हैं पूरे बतूमी में। तो ये है ले मेरिडियन होटल, और नीचे आप देख सकते हो कैसीनो एम्पायर, काफ़ी बड़ा कैसीनो है ये यहाँ का। तो सामने आप देख सकते हो ये है मैरियट और ये है शेरेटन होटल। मतलब जितने भी होटल्स के बड़े बड़े ग्रुप हैं यहाँ पे, सब ने बड़ी बड़ी होटल्स बना के रखी है, बट टोटली डिफरेंट डिज़ाइन है बिल्डिंग्स का, जो कि मैंने ऐसा डिज़ाइन कभी भी कहीं पे भी नहीं देखा। बहुत सारी बिल्डिंग देखी होगी, बट किसी भी बिल्डिंग के अंदर लगा हुआ फेरिस व्हील नहीं देखा होगा। इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे फेरिस व्हील लगा हुआ है।
ये रास्ता जाता है सीधा बीच की तरफ, वहीं पर यह ब्लैक सी। तो आपको अब नेक्स्ट आवाज़ तौफीक भाई की आएगी थोड़ी देर ब्लॉग में, तो एंजॉय कीजिए। तो भाई ये है बतूमी का ब्लैक सी, जिसको काला दरिया बोलते हैं। तो ये मतलब लुक में काला है, बाकी बहुत साफ़ सुथरा और अच्छा है। तो बीच पे आप देख सकते हो कि कोई कचरा नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ कोई खा के फेंक नहीं रहा है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, एकदम क्लीन है, एकदम स्मूथ बोलते हैं ना कि एकदम क्लियर पानी है। अगर आपको दिखाएंगे अंदर तो सारी चीज़ें दिखेगी। ओके ओके, लारी में लिया है हमने ये कॉर्न, जो कि ये थोड़ा सा ज़्यादा महंगा। गुड, स्वीट है। तो आ गए अपने अपार्टमेंट पे वापस, कि वही बारिश वाला सीन है। भाई फाइनली आ गए जिम में और वर्कआउट कर रहे हैं बहुत दिनों के बाद में। और भाई का पंप देख लो, मतलब रिफॉर्मर फिटनेस नाम से है बतूमी में। तो आए वर्कआउट करने के लिए, यहाँ पे वर्कआउट करके चलेंगे कुछ खाने के लिए। फाइनली एक नई कंट्री में वर्कआउट खत्म हो गया अपना। तो भाई पार्किंग में आप देख सकते हो सारी स्पोर्ट्स बाइक्स। तो यहाँ के वेदर ने ना मूड बुरा ख़राब कर दिया है, क्योंकि वही हर जगह बारिश बारिश बारिश। तो भूख का सोल्यूशन मिल गया है, एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल गया है, जो इससे पहले भी हम लोग यहाँ पे एक बार खा चुके हैं। रहा हमारा जिम और उसके बाजू में ही है ये टर्किश रेस्टोरेंट, जो कि हलाल भी है। तो चलते हैं अंदर और मंगवाते हैं कुछ खाना। सीरियसली भाई यहाँ का फूड मतलब बहुत ही टेस्टी फूड है, इससे पहले भी हम लोग खा चुके हैं। तो ये इनके पूरे मेन्यू की रेंज है, आप देख सकते हो। तो हम लोगों ने मंगवाया है राइस चिकन डोनर और राइस मीट डोनर, जो बहुत ही टेस्टी मेन्यू है इनका। तो ये आ गया अपना फूड, जो कि बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू। तो भाई ये जो डॉग है वो गेनिंग फेज में, अभी इसका शेडिंग बाकी है। तो डिनर हम लोग का कंप्लीट हो गया है और आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को व्लॉग पसंद आया होगा। वेदर की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा पाए, तो चलेंगे फिर सीधा हम लोग तिबलिसी, नेक्स्ट सिटी जो है हमारी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।